हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज मैं आपको बताऊंगा GLMR टोकन जो आज ही लिस्ट हुआ है, बहुत अच्छे रेट पे हुआ है, उसकी स्टेकिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, अगर कोई नया है मेरे इस वीडियो को देखने वालों के लिस्ट में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उसको जल्द से जल्द मिल जाए और वो सबसे पहले देख सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, एक बार फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं GLMR टोकन की स्टेकिंग, वो भी किसी वेबसाइट पे नहीं, इनके अपने प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैं एक बात और बता दूं करने से पहले, ये जो GLMR टोकन है, ये मूनबीम का टोकन है, जैसा कि ये इस फोटो में दिखाया गया है। GLMR मूनबीम का टोकन है और दूसरा एक मूवर टोकन है, जिसकी मैंने वीडियो अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई थी। तो ये मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैंने इसकी वीडियो कब बनाई थी। ए थोड़े दिन पहले मैंने इसके मूवर टोकन की ऑलरेडी वीडियो बनाई है दोस्तों। ये वाली है ओनली टू कॉइन फॉर 2022 10x टू 20x इजीली। तो ये वाले देखो, मैंने दो टोकन की बना रखी है, एक तो कुसामा टोकन है जो डॉट का है, एक मून बीम का मूवर टोकन है, ठीक है। तो ये दो टोकन ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे टोकन को पहले ही बता रखा है। आज मैं आपके सामने लेके आऊँगा GLMR टोकन की वीडियो, ठीक है, इसकी स्टेकिंग का मेनली वीडियो दोस्तों। और इसकी स्टेकिंग के लिए बेसिकली हमें कहाँ जाना पड़ता है, मूनबीम के नेटवर्क के ऊपर जाना पड़ता है। रिसेंटली $14 इसका प्राइस चल रहा है दोस्तों, ठीक है। मैंने अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये बताया था कि $9 से $13 के बीच में अगर मिलता है तो एक दो बिड लगा दे सकते हो, मतलब एक 5 पार्ट्स में बाय करने के लिए मैंने सजेस्ट किया था। और दो बिड आप $13, मतलब $9 से $13 के बीच में अगर लगती है तो लगा सकते हो। और फिलहाल इसका $14 चल रहा है दोस्तों। इसको लेने के लिए दो ऑलरेडी मैंने इसमें बाय कर चुका हूँ, अभी थोड़ा सा एकुमुलेट और कर सकते हैं दोस्तों अब। और बाकी इसके टोकन मार्केट में अवेलेबल इतने हैं नहीं, इसलिए हो सकता है इसका बहुत ज़्यादा रेट हो, बट इट्स गुड टू बाय दिस टाइम एज वेल, बिकॉज ये मून बीम का GLMR टोकन है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इसका यूज केस बनने जा रहा है। तो सबसे पहला यूज केस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, जिसका नाम है स्टेकिंग। तो मून बीम GLMR टोकन की स्टेकिंग के लिए हमें इसके नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। रिसेंटली में मूनबीम को फ्री में एकुमुलेट किया था, जिसने डॉट को क्राउड लोन में पार्टिसिपेट किया था, उनके पास मूनबीम टोकन ऑलरेडी आ गए होंगे और उन लोगों ने स्टेक पे भी लगा दिए होंगे। अगर आपके पास भी आए तो आप इस तरह से स्टेक पे लगा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस नेटवर्क moonbeam.network पे जाके लॉन्च चेक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। लॉन्च ऐप पे सिलेक्ट करने के बाद, इसके रूल रेगुलेशन को पढ़ने के बाद इसको एक्सेप्ट जरूर करिएगा। उसके बाद ये आपके कनेक्ट हो जाएगा आपका मेटामास्क के साथ। अभी मेटामास्क में मैंने लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। हाँ, लॉगिन नहीं, ये एक्चुअली मैं सॉरी टू से, एक्चुअली मुझे ये ब्राउजर यूज नहीं करना था, तो मैं इसे कॉपी करके दूसरे ब्राउजर में चला जाता हूँ दोस्तों। मुझे ये वाला ब्राउजर यूज करना है इसका, तो मैं इस दूसरे ब्राउजर पे आ गया हूँ। तो मैंने इसकी एप्लीकेशन खोल ली है दोस्तों, ये कनेक्ट हो रहा है मेटामास्क के साथ। मेटामास्क में एक्चुअली मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, मैं सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। काफी लोग पूछ रहे थे कि मून बीम की को मेटामास्क से कैसे कनेक्ट किया जाता है, सेटिंग बता दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल मेरा जो मेटामास्क है वो मून बीम नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये मून बीम लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको भी इसको सिलेक्ट, इसको इसमें अपना सेटअप करना है मून बीम नेटवर्क को मेटामास्क के साथ, यहाँ पे क्लिक करिएगा, सेटिंग में जाइएगा, ठीक है,
और सेटिंग में जाएंगे तो सबसे नीचे नेटवर्क में जाइएगा। नेटवर्क जाने के बाद ये सेटिंग देख रहे हो दोस्तों, एड ए नेटवर्क में ये वाली सेटिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाली सेटिंग एड ए नेटवर्क में कर सकते हो दोस्तों। एक मिनट, ये देखना पड़ेगा, ये इथेरियम मूनबीम, हाँ ये मेन नेटवर्क है दोस्तों, ठीक है। तो मूनबीम का तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो दो टोकन है इसके मूनबीम के, एक तो मून रिवर और मून बीम, ठीक है। ये मून बीम टोकन है इसके दो टोकन। हम मून बीम के बारे में मीन्स GLMR टोकन को मून बीम टोकन भी बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्टेकिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसकी स्टेकिंग के लिए आपको सबसे पहले इसमें आपको इसमें जो मेटामास्क है इसके अंदर आपको वो भेजना पड़ेगा, ये जो GLMR टोकन है, जब इसमें शो होने लग जाएंगे। देखिए दोस्तों अभी मेरा एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे भेजने में असमर्थ हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ भेज नहीं रहा, क्योंकि वो उन्होंने अभी इसकी जो ब्लॉकचेन के टोकन्स को कॉइन को GLMR को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। जब भी ये ऑन होगा तो मैं क्या करूंगा, अपने जो भी टोकन GLMR है उसको मेटामास्क पे लेके आऊंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा किसी भी एक्सचेंज पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे टोकन शो होने लग जाएंगे दोस्तों। मतलब मेरे को मैं बता तो रहा हूँ आपको, लेकिन हर चीज क्लियरली बता नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे पास यहाँ कॉइन नहीं है, तो एनीवे आपको वे तो मैं एटलीस्ट बता ही सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कॉइन्स शो होने लग जाएंगे दोस्तों। जब ये शो कॉइन होने लग जाएंगे तो उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, जाके थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ कॉइन एग्जैक्ट देखने के बाद इसको नीचे जाएंगे तो डेलीगेशन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ मैनेज डेलीगेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैनेज डेलीगेशन पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली डेलीगेशन के लिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ वैलिडेटर चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम वैलिडेटर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे एक्टिव पूल हैं, ये वेटिंग है, ठीक है। वेटिंग मतलब ये जो है कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है और थोड़े टाइम बाद ये भी एक्टिव पूल की लिस्ट में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब डेलीगेटिंग के लिए अप्लाई, डेलीगर है वो, डेलीगेटर है, ठीक है। ये डेलीगेटर है और आफ्टर सम टाइम ये भी इसी की इनकी जो एक्टिव पूल की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फिलहाल हम जो है हमें इसमें डेलीगेटर चुनना है, इसमें कोई सा भी डेलीगेटर है उसमें चुन सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसके ज्यादा से ज्यादा GLMR होल्डिंग हो उसी को सिलेक्ट करिए, जिसका जैसे ये है इसका कम है, ठीक है। इसमें 21 GLMR स्टेक की हो, डेलीगेशन इसकी ऑलरेडी 21 डेलीगेशन है, ठीक है। तो टोटल बॉन्डेड इतने हैं इसके, तो बेसिकली सेल्फ बॉन्डेड मतलब इसके खुद के जो कॉइन है GLMR 10,000 है, ये भी 10,000 है, इसके 1,00,000 है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। टोटल बॉन्डेड लेकिन कम है इसमें। तो बेसिकली आप मेरे हिसाब से ये जो पहले वाला है ना टॉप प्लेन, ये जैसे एक एग्जांपल के लिए इसको कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक कर देंगे दोस्तों। ये मैंने क्लिक कर दिया तो डेलीगेटर का नाम यहाँ पे दिखाने लग गया। अमाउंट इसमें लिखा हुआ है मिनिमम डेलीगेशन अमाउंट 50 GLMR, तो दोस्तों 50 कर सकते हैं, तो यहाँ 50 लिख देंगे, ठीक है। डेलीगेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें नॉट एनफ बैलेंस दिखा रहा है, अगर मेरे पास यहाँ बैलेंस होता तो ये मेटामास्क ओपन हो जाता और एक अप्रूव का बटन दबाना पड़ता दोस्तों, दैट्स इट। जैसे ही आप अप्रूव का बटन दबाएंगे और आपकी स्टेकिंग यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन एक्सचेंज पे ना करके आप डायरेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर कर सकते हैं, मूनबीम की जो ब्लॉकचेन है, ठीक है दोस्तों। तो ये इजी प्रोसेस है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे क्रिप्टोनिक वन चैनल टेलीग्राम में आप कांटेक्ट करके कुछ भी हेल्प लेनी हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं हर हावर के बाद उसको या 30 मिनट्स के बाद अपने क्वेश्चन आंसर को लेता हूँ वहां पे, और जिसका भी कोई डाउट होता है उसे क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये छोटा सा मेरा इसका वीडियो था दोस्तों, GLMR स्टेकिंग का। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, दैट्स इट। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 14.17
डॉलर का ऑलरेडी चल रहा है और आने वाले टाइम में इसकी बहुत आगे जाने की संभावना है। बट द मेन थिंग कि अगर मार्केट को अगर सिचुएशन को देखा जाए तो ठीक है, इसका इसका इतना प्राइस ठीक है, और आने वाले टाइम में अगर इसका प्राइस इतना गया है तो हमारी कम्युनिटी में से कुछ लोगों ने अकाला को भी प्राइवेट सेल में लिया हुआ है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में अकाला का भी प्राइस इसके आसपास ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि टोकन सप्लाई दोनों की ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, ठीक है। तो अगर किसी ने इसको $15 के आसपास देख रहे हो तो उसको भी $15 के आसपास आप देख सकते हो फ्यूचर में। तो दोस्तों ये मेरी छोटे सा वीडियो था, अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद इन एडवांस, और टेक केयर। सो मिलते हैं क्रिप्टोनिवर चैनल में, और टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड वन।